कमाल के वीडियो में। तो हाँ, अभी तक मैं जिंदा हूँ। As you can see, I am not dead. तो हाँ, अभी तक मैं जिंदा हूँ। बीच में मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने के चक्कर में मैं रेगुलर वीडियोस नहीं ला पा रहा था, पर अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर वीडियोस ला पाऊँ। चल झूठा। तो ड्रीम गर्ल 2 25 तारीख को सिनेमाघरों में आ चुकी है, पर हाँ, मैं उसको इस बार भी सिनेमाघरों में देखने नहीं जा पाया। मैं गरीब हूँ। तो हाँ, वैसे तो मैं जानता हूँ कि मैं इस वीडियो को लाने में बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, पर कोई बात नहीं, इस बार एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट टाइम से तुम्हें हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाया करेगी। तो इस मूवी के रिव्यू जानने से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी इसकी स्टोरी लाइन के ऊपर। तो चलिए अब हम चलते हैं बिना किसी देरी के पूजा की तरफ, मतलब कहानी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है जागरण से, जिसमें गाना गाने के लिए आया होता है जगजीत सिंह एंड करमवीर सिंह, जिनसे इनका घर चलता है। करमवीर सिंह मतलब कि आयुष्मान खुराना। इसमें आयुष्मान खुराना की भी लव स्टोरी चल रही होती है एक परिणाम की लड़की के साथ, और वो परिणाम की लड़की और कोई नहीं अनन्या पांडे होती है। अब करम की पूजा वाली आवाज़ का हर कोई फैन होता है, और जैसे ही यहाँ पर परी को मौका मिलता है वो पहुँच जाती है करम से मिलने। अब इन दोनों के बीच ग्लू ग्लू चल ही रहा होता है, तो यहाँ पर कैमरा लगे होने की वजह से ये सब टेलीकास्ट हो जाता है बाहर की तरफ। अब इन दोनों के निपा निपी वाले खेल को देख लेते हैं जो भी जागरण में आए हुए थे, और उसमें परी के पिताजी भी शामिल थे, और यहीं से चालू होता है इस मूवी का खेला। अब यहाँ पर परी का पिता जाता है करम के घर ताकि वो उससे उसकी शादी की बात कर सके, ताकि वो अपनी बेटी परी की शादी करम से करवा सके, क्योंकि परी की खुशी उसी में ही होती है। लेकिन जब उसके पिता को पता लगता है कि इसके पास खाने को नहीं है और ऊपर से बैंक के ऊपर 40 लाख रुपए का लोन है, तो वो इस शादी से साफ इनकार कर देता है। अब एक अच्छा पिता होने की वजह से और परी की खुशी के लिए वो करम को एक चांस देता है, जिसमें वो बोलता है कि तुम 25 लाख रुपए और एक नौकरी का जुगाड़ करना है, अगर तुम ऐसा 6 महीने के अंदर कर लेते हो तो मैं अपनी बेटी परी की शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगा। अब यहाँ पर करम भी अपने प्यार को पाने के लिए इसमें हामी भर देता है। अब क्योंकि यहाँ पर इस्माइली भी करम का सबसे अच्छा दोस्त होता है, तो वो उसे एक ऑफर देता है कि उसे उसके बार में आना है पूजा बनकर और वहाँ पर डांस करना है, जहाँ पर लोग उसे बहुत सारे पैसे देंगे। लेकिन पहली बार सुनने के बाद करम इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन उसके बाप के समझाने के बाद वो इस चीज़ को मान जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे 6 महीने के अंदर 25 लाख रुपये का जुगाड़ करना है। अब धीरे धीरे ये सब कुछ ऐसे चल रहा होता है, और बाद में पता चलता है कि इस्माइली का चक्कर एक सकीना नाम की लड़की के साथ चल रहा है, जो कि उस जगह के जाने माने लोगों में से आते थे। लेकिन उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता कि इस्माइली किस कास्ट और किस जात से बिलोंग करता है, क्योंकि उन्हें सबसे पहले अपने बड़े बेटे के लिए एक बहू लानी थी, तभी वो अपनी बेटी सकीना की शादी इस्माइली के साथ करवाने वाले थे। साथ ही में वो एक अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि जो शाहरुख को डिप्रेशन से बाहर निकालेगा हम उसको 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। ये बात सुनकर इस्माइली के मन में लड्डू फूटता है, और ये सोचता है कि ये काम और कोई नहीं पूजा कर सकती है। इस्माइली जाता है करम के पास और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो पूजा बनकर मिले शाहरुख से। अब करम पहले इस चीज के लिए नहीं मान रहा होता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसे इस चीज के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो इस चीज के लिए तुरंत मान जाता है, और वो कैसे भी करके शाहरुख को निकाल देता है डिप्रेशन से। लेकिन अब शाहरुख को भी पूजा से प्यार हो चुका होता है, और शाहरुख ये डिसाइड करता है कि अब वो पूजा से ही शादी करेगा। अब शाहरुख का बाप यहाँ पर पूजा को एक ऑफर देता है कि अगर वो शाहरुख से शादी करेगी तो उसे 50 लाख रुपए देगा। अब इस बात को सुनने के बाद सबसे पहले तो करण यहाँ पर साफ इनकार कर देता है, पर इस्माइली उसे एक रास्ता बताता है। तब इस्माइली उसे एक रास्ता बताता है कि जैसे ही शादी होगी वो उसके सारे के सारे पैसे लेकर वहाँ से अगले दिन भाग जाएगी। इससे इस्माइली का भी काम बन जाएगा और उसकी सकीना के शादी हो जाएगी, और करम का भी सारा कर्जा उतर जाएगा। तब यहाँ पर इसी वजह से हो जाती है करम की शादी शाहरुख के साथ। अब करम की शाहरुख के साथ शादी हो जाने के चक्कर में करम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही टेंशन में था, और इस टेंशन के चलते वो बालकनी में जाकर पौधों को पानी दे रहा होता है, तो अचानक से ही उसके दादा ससुर की नज़र पूजा पर पड़ती है। तो पूजा को देखकर ही अचानक से वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, और उस बेहोश के चलते वो वहीं पर ही मर जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों का सारा प्लान फेल हो जाता है, और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि दादा ससुर की मौत कैसे हो गई। बस वो दीवार पर इतना ही लिख कर गए होते हैं कि बहू लड़का। अब घर में किसी बुजुर्ग की मौत हो गई होती है, तो इस्माइली की भी शादी सकीना के साथ अभी नहीं हो पाती, और करम भी यहाँ से नहीं भाग पाता। अब धीरे धीरे ये कहानी चलती रहती है, और अब एक ऐसा टाइम आ जाता है कि अब इस घर को इसका एक बारिश चाहिए था, इसलिए अब पूजा को सब फोर्स करने लगते हैं कि अब वो शाहरुख के साथ मिलकर इस घर को एक बारिश दे। और तब तक यहाँ पर शाहरुख को करम की सारी सच्चाई पता चल चुकी होती है। लेकिन शाहरुख यहाँ पर दिल का बहुत अच्छा इंसान होता है, तो वो यहाँ पर करम की दिक्कत समझ सकता था, और घर वालों को कुछ भी नहीं बताता था, और पूजा के साथ ये नाटक जारी रखता था। लेकिन अब वो एक बहाना बना देता है कि पूजा को बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन अब वो इस बात की गंभीरता समझते हुए इस पूजा को फोर्स करना बंद कर देते हैं। लेकिन सिचुएशन इतनी धीरे धीरे बेकार हो जाती है कि जिसने करम को पूजा का भाई बताया था और शाहरुख की बुआ का दिल करम पे आ गया था, तो उसने उसको मिलने के लिए बार में बुलाया था। लेकिन जब करम पहुंचता है बार में, तो शाहरुख की बुआ जी करम को धीरे धीरे प्रपोज करने लगती है, और ऐन वक्त पे पहुंच जाती है वहां पर परी।
और उसको लगने लगता है कि अब करम उसे धोखा दे रहा है और उसके वहीं पर ब्रेकअप कर लेती है और अपने पिता को जाकर कहती है मैं किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब उसका खुसड़ बाप तो यही चाहता था तो उसकी शादी की अरेंजमेंट वहीं करवा देता है। अगले दिन ही हम देख पाते हैं कि परी की अब शादी हो रही है। जैसे ही करम को पता चलता है तो वो शाहरुख के साथ मिलकर प्लान बनाता है और चले जाते हैं वो गंगा जी में डुबकी मारने। और वो गंगा जी में डुबकी मारते तो हैं लेकिन पूजा बाहर नहीं निकलती, दूसरी साइड से करम बनकर बाहर निकलता है जिससे सबको लगता है कि पूजा पानी में डूब गई है। अभी भी वैसे भी पूजा के बहुत सारे चाहने वाले थे। जैसे जैसे सबको पता चलता है तो वो पुलिस को लेकर पहुंच जाते हैं शाहरुख के घर में। वहां पर करम भी मौजूद था। अब करम को जैसे ही पता लगता है कि परी की शादी हो रही है तो करम सीधा चला जाता है परी के पास। लेकिन वो वहां पर पूजा की ड्रेस पहन के आया था ताकि परी को सारी की सारी सच्चाई बता सके। पर किस्मत से ही वहां पर शाहरुख के सभी घर वाले पहुंच जाते हैं और सभी को ये समझ में आ जाता है कि पूजा ही करम है और करम ही पूजा है। तब यहाँ पर करम एक लंबी चौड़ी स्पीच देता है कि कोई किसी को कुछ भी ना कहे। एट लास्ट परी के पापा को भी यह समझ में आ जाता है कि परी और करम की ही शादी होनी चाहिए और इसी वजह से उसी मंडप पर उन दोनों की शादी हो जाती है। और इसके साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है।